वो सारी चीजें मीडिया में लीक करके नेहा महेश्वरी जो बॉम्बे टाइम्स की उनकी बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ फेक स्टोरीज बनवाती है। उन्होंने सिद्धार्थ के केस में भी यही किया। व्हाट दीज पीपल आर डूइंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कभी दो दिन वो शांत रहते हैं, फिर दो दिन बाद वो चालू हो जाते हैं। इट्स ऑल प्लॉटेड काइंड ऑफ टाइम्स आई फील कि दोनों पब्लिसिटी के लिए एक दूसरे का यूज कर रहे हैं। वर्षा एक चीज मुझे बताओ, सो यू नो देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशन व्हिच हैज हैपेंड अबाउट रश्मि वर्सेस अरहान। यार अरहान मेरे को पता है, मैं अरहान से रिसेंटली मेरी अभी बात हुई है, एक दो बार ही हुई है, आई डोंट नो हिम पर्सनली, जस्ट आई टेक्स्टेड हिम एंड एक बार कॉल पे बात हुई। सो ही सेड अ वेरी वैलिड पॉइंट व्हिच आई रियली अप्रिशिएटेड, दैट इफ आई एम टेकिंग आउट मनी फ्रॉम आवर अकाउंट, इफ यू सी एवरीथिंग इज अ चेक पेमेंट, तो उसने चेक साइन ही क्यों करे? अगर वो चेक साइन करके उसको दे रही है एंड सो इट्स सिंपल ना कि तुमने अपने चॉइस से दिए, और किस रीजन से दिए वो तुम दोनों के बीच में है। अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आई, पर इन दोनों का जो सो हाउ इन माय वीडियोस आई अंडरस्टूड दैट थिंग वाज कि अगर आप बिग बॉस में जा रहे हो और रश्मि के साथ जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आप कनेक्शन बना के तो जा रहे हो शुरू, दैट्स हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। बट जब आप अंदर गए हो और यू नो एवरीबॉडी इज टॉकिंग, सलमान इज सेइंग कि भैया आपका बच्चा है बाहर, तो वो जो चीज थी ना वो थोड़ी बहुत ज्यादा ऑफ थी, बिकॉज रश्मि ने वहां बोला कि मैं नहीं जानती, तो रश्मि ने बोली कि मैं जानती थी, देन इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। रश्मि न्यू इट एंड दे वर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, एंड तभी अरहान की फैमिली उसके अगेंस्ट में थी, एंड रश्मि को अरहान के एस्ट्रोलॉजर ने सारी बातें बताई हुई थी। एक कैंडिड चैट थी, चैट करी उन्होंने बिग बॉस के घर में अरहान के साथ, उन्होंने बोला कि आपको वो बातें जो बोली गई थी वो बातों की बात कर रहे हैं। सो ही वॉज इंडिकेटिंग रश्मि की, रश्मि आप कुछ बोलोगे की नहीं बोलोगे, सो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज शी वॉज अ पब्लिक फिगर की वो बाहर दिखाना चाहती है चीजें इस प्लेटफॉर्म से, एंड यू आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप विद अ गर्ल एंड शी नेवर एक्सेप्टेड इट। अब बाहर आके तुम एक्सेप्ट करियो कि मैं लिव इन रिलेशन में थी, व्हाट दीज पीपल आर डूइंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कभी दो दिन वो शांत रहती है, फिर दो दिन बाद वो चालू हो जाते हैं। इट्स ऑल प्लॉटेड काइंड ऑफ टाइम्स आई फील कि दोनों पब्लिसिटी के लिए एक दूसरे का यूज कर रहे हैं। या तो मुझे मुझे यही लग रहा है, देखिए बिग बॉस में तो आई नो 100% दैट दे क्रिएटेड अ स्टोरी, नहीं तो इतना ड्रामा नहीं होता। यू नो आप आ रहे हो अंदर, फिर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो बाहर, आप इतने टाइम से रह रहे हो साथ में, फिर अंदर आप ऐसे दिखाते हो कि अंदर प्यार हो जाएगा एंड ऑल दैट, बट बाहर आके ना व्हाट आई फील इज कि ट्रांसपेरेंटली चीजें नहीं हो रही, तो उससे क्या होता है कि सो मच नॉइज इज हैपनिंग। और मुझे लगता है इफ आई लुक एट इट कि जो टॉप थ्री है बिग बॉस के रहकर, जो सिद्धार्थ है, आसिम है और शिनाज है, वो राइटफुली टॉप थ्री है, बिकॉज वो कुछ नहीं बोल रहे, वो चुप है, सब बोल रहे हैं और सबको टेंशन थी और सब That's what yesterday I was saying. अगर आपके अंदर इतना टैलेंट था, इतनी टैक्टिक्स थे, I wonder why didn't you do anything inside the show? कि रश्मि अपने किसी की सगी नहीं रही है। The way she used to be with me, you know, कि तू मेरी बहन है, केस वापस कर लो, ये वो, बिको मैनिपुलेट करके एक बार केस वापस हुआ, कौन सी बहन, कौन सी बेटी, कौन तू? So that kind of attitude I've already seen. So it's sad to see that. I'm not aware about that story. Okay, so basically I was dating Mrinal and it was an extramarital affair. आज मैं एक चीज बोलती हूँ, मेरे को PDF format में divorce papers तक दिखाए गए थे that I'm getting divorced to my wife and I want to be with you. I have all the messages and then he tried getting very cozy to me and that time I was just 18 and मैंने उसकी वाइफ को खुद से सामने से Facebook पे मैसेज करा that your husband is doing this and she replied what proofs you have. So I sent her whatever the screenshot of his messages I could send at that moment, and then she left him and she went out to her mic or something. Then this guy calls me up and he started threatening me, and that time I had signed a show for life. Okay, he went to my producers and he got me removed from that show even, and I was so scared. I went to the police station, I lodged the NC against him, and next day I was told ki tu complaint wapas le le nahi to tumhare show se nikal diya jayega. Main complaint wapas lene gayi, ye banda coincidence bhagwan ne mere sath ye andar baith ke mere pe jhooti complaint likhwa raha tha that she is harassing me and all that taki main wo complaint wapas lu. Just for everyone, Mrinal is Rashmi's real brother, because I don't know him. Bola brother, they worked in Uttran together. Okay. So that's how. Okay so And I was like, I was shocked. I was in tears. Like all this while, this person was pretending to be something else. Then that day, I lodged an FIR against him, and he was absconded. आज की डेट पे मेरे पास कोर्ट के पेपर्स हैं. कोर्ट के पेपर्स में क्लियरली लिखा है, except me, he was roaming around with other girls also. That is the reason I became angry. इन्होंने खुद on paper accept की हैं चीजें. मेरे पास सारे proofs हैं. And Rashmi came with his mom, like Mrinal's mom, to me कि खत्म कर देते हैं ये वो. मैं तुम्हें पैसे देती हूँ. Like seriously?
एंड फिर वहां से चीजें she not being real sister, why was she even involved? I mean, I could not I don't understand. know. And you know what? The worst part, हमारे फेस पे शी इज बिकमिंग सो नाइस दैट आई एम हेल्पिंग मृणाल एंड आई एम हेल्पिंग यू. शी वॉज द वन हु लीक्ड माय एंड मृणाल्स चैट इन मीडिया. कैन यू इमेजिन? एंड फिर वो सारी चीजें मीडिया में लीक करके नेहा महेश्वरी जो बॉम्बे टाइम्स की उनकी बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ फेक स्टोरीज बनवाती है. उन्होंने सिद्धार्थ के केस में भी यही किया है एंड अरहान के साथ भी. आप जितने भी आर्टिकल्स नंदिश के भी इफ यू सी ऑल द आर्टिकल्स आर डन बाय नेहा महेश्वरी. सो शी डज दिस एवरीवन. व्हिच मीडिया हाउस इज दैट नेहा महेश्वरी? बॉम्बे टाइम्स. बॉम्बे टाइम्स बिकॉज वर्षा एक्चुअली मैं इंडस्ट्री से नहीं हूं आप तो मैं आई डोंट नो दीज नेम्स. आई एम अ यूट्यूबर. I just became a YouTuber from the corporate world. So, मुझे नाम नहीं पता, मुझे stories नहीं पता. But I believe in one thing. I think I believe in you know making sure that जो stories छुपी हुई है ना, वो थोड़े बाहर हैं. तो that's my intention. But एक चीज जो मुझे clear नहीं हुई, you know the thing is कि जैसे हमने जो देखा रश्मि और सिद्धार्थ का पूरा angle show में, तो initially what I found was I saw कि सिद्धार्थ ने कुछ नहीं, सिद्धार्थ अगेन शो में उसने कुछ नहीं बोला किसी लड़के के लिए. हाँ, वो गूंगा ही रहता है यार, वो कुछ नहीं बोलता है. तो ही बाहर की उसने बात नहीं लेकर आया. बट रश्मि को पहले तो पारस ने भड़काया कि उसका रिहैब की बातें तो मोटिवेट किया उसको, यू नो उसको बताया कि यू नो ऐसे गेम प्ले कर. तो रश्मि भी अपने को कंट्रोल करके चल रही थी. बट देन रश्मि स्टार्टेड थिंग्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली इधर उधर. उसके बाद भी सिद्धार्थ ने कोई चीज नहीं बोली. हाँ, जब उसके बारे में कुछ बोला जाता था तो वो ही टू गेट एग्रेसिव कि ऐसी लड़की. ही नेवर सेड एनीथिंग बैड. ही नेवर सेड एनीथिंग बट दैट्स व्हाट यस्टरडे आई वाज सेइंग कि अगर मेरे को कोई बोलता ऐसी मतलब कैसी, मैं तो गुस्से में आके 10-12 चीजें एटलीस्ट बोल ही देती. शी प्रोवोक्ड हिम टू अनदर लेवल एंड दिस गाय ही डिड नॉट ऐसी ऐसी वो अटका रहा उसमें. मेरा ना मेरा एक सिंपल एनालिसिस था. जब भी मैं रश्मि और सिद्धार्थ को देखता था ना, मुझे सिद्धार्थ हमेशा सही लगता. जब मैं सिद्धार्थ और आसिम को देखता था तब मुझे लगता था यार बस एक चीज सिद्धार्थ को नेगेटिव लेके जाती थी. वो जब वो यू नो ही टू टॉक अबाउट हिज फादर एंड यू नो ब्रदर एंड अगर वो नहीं करता ना, एंड आई थिंक यू नो मैच्योरिटी व्हेन आसिम के घर से पिक्चर्स आई थी एंड वो सिद्धार्थ के पास गया. ये तेरा भाई है, ये तेरे पापा है. सो दैट फीलिंग वाज देयर. इट वाज लाइक लोग ये नहीं समझते अगर पारस और अरहान ने उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट किए होते सो दे वुड हैव बीन टुगेदर. सो आई फील सैड फॉर शिफानी एंड पारस बोथ डिड एंड आई फील सैड फॉर आसिम दैट यू नो कि आप किसी के भड़कावे में कैसे आ सकते, वो भी ऐसे फुद्दू लोगों के. यार वो एक्चुअली रियलिटी शो ऐसे ही ना, यू नो अगर आपको टीआरपी कैसे मिलेंगे जब आप यू नो लोगों को वही ना जैसे रामायण सभी हुई ना जब मंथरा ने कुछ किया बोला रामायण क्यों ट्रू ट्रू एग्जैक्टली एवरी शो नीड द मंथरा. एवरी शो नीड द मंथरा. एवरी शो नीड द हीरो एंड पारस मंथरा है. हां, दोनों भाइयों में टकराव करवा दो वैसे ही मिलते हैं. इफ यू सी रावण एंड दुर्योधन उसको रोल्स भी ऐसे मिलते हैं बिकॉज ही नेवर रिस्पेक्टेड वुमेन ना. एंड देन देयर वाज वन मोर सीन व्हिच आई रिमेम्बर राइट नाउ कि रश्मि ने बोला था मैंने आज तक कोई बोल्ड सीन नहीं करे हैं. और उनका जो विंडो के पास किसिंग सीन था विद सिद्धार्थ ओवर द विंडो अक्रॉस द विंडो व्हाइल दे वर परफॉर्मिंग फॉर सम सॉन्ग, शी सेड मैंने इसके अलावा कुछ सीन नहीं करा एंड शी वॉज क्राइंग अबाउट इट. एंड देन इफ यू सी हर भोजपुरी कंटेंट वॉट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज शी हैज गिवन दैट इज नॉट बोल्ड. बहु इमेज आपने अपना नाम भी चेंज कर लिया. दिव्या से पहले शिवानी से दिव्या, दिव्या से रश्मि. सो फिर उसके बाद आपको वो चीज नहीं बतानी है कि आप बहुत ही अच्छी सती सावित्री बहु हो तो आप ये चीज झूठ बोल रहे हो. एंड यू पुटिंग अ ब्लेम ऑन अ बिग शो लाइक बिग बॉस. की बिग बॉस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू ब्रॉट अप बिकॉज दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू ब्रिंग अप कि अगर आप कोई चीज कर चुके हो बीइंग एन एक्टर उसको ओन करो यार, उसको ओन करो. अगर कोई उस पर रिएक्ट कर रहा है तो उसको ओन करो, उससे सीखो. वन कंटेस्टेंट सेड कि यार आसिम को इतनी पब्लिसिटी कैसे मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं तो मतलब मैंने भी बहुत कुछ किया. सो दे फॉरगॉट वन थिंग यू नो.